Hello, hello, hello. Hello, hello. Hello. Hello, hello. 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 The prekshak ho. Swagat hai aapla. Khasdar chashak 2018 lucky sport ayojit. आजचे हे सामने शेवटच्या दिवसाचे सामने आहेत, अंतिम निर्णायक सामने आहेत आजच्या दिवसात. आणि हे सामने तुम्ही YouTube च्या माध्यमातून बघू शकता. हॅलो, YouTube मध्ये टाइप करा लकी स्पोर्ट राय. प्रेक्षक हो, दोन दिवसात आपण भरपूर आनंद घेतला, भरपूर काय या ठिकाणी कमेंट झाले. हॅलो कामडान, त्यासपत या ठिकाणी एक मिनिट कामडान, पावर ऑफ तलोली ना, तलोली स्पोर्ट लकी स्पोर्ट. मैदानावर प्रेक्षकांचं खच पडत आहे, हळूहळू मैदान फुलून जात आहे. मिनाज ओवर कितने ओवर के? हॅलो तीन. आज तीन षटकांचा राहणार आहे सामना या ठिकाणी. दोस्तों आज सुपर संडे और खासदार चषक में सुपर से डुपर मैचेस होने जा रहे हैं. पहली जो मैच शुरू होने जा रही है वो तलोली स्पोर्ट वर्सेस लकी स्पोर्ट राय के बीच में, और एक बड़ा मुकाबला होने जा रहा है. और कुछ ही समय में मैच की शुरुआत होती हुई तलोली ने पहले टॉस जीतकर फील्ड करने का फैसला लिया है, और कैप्टन गुड्डू आपको जल्द से जल्द फील्ड सजाना है और गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए कामरान तलोली स्पोर्ट के तेज तर्रार गेंदबाज. और लकी स्पोर्ट के दोनों सलामी बल्लेबाज बीच मैदान में तैयार होते हुए रऊफ और शफी. रऊफ और शफी, शफी काफी अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे. बाली ट्रॉफी में भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस उन्होंने दिया था, और आप देखना है एक मर्तबा उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी, एक बड़ी टीम के सामने यहां पर बॉल. और हमारे दोनों अंपायर तैयार होते हुए किरण और विक्की भूषण पाटिल. और लकी स्पोर्ट राया के वो पांच लकी स्टार सरपंच और डैशिंग पर्सनालिटी सैराज उर्फ राजू टिट्टू, मिनाज टिट्टू, मुकीम कुंगले, तस्मीर कुंगले और आदिप कुंगले, जिन्होंने बहुत मेहनत की इस मैदान को बनाने में, और आखिर में इस मैच का आयोजन नियोजन उन्होंने खूबसूरत तरीके से किया. और इस खासदार चषक का आखिरी दिन सुपर संडे बहुत ही दिलचस्प होने जा रहा है. दोस्तों बड़ी बड़ी टीमें आज यहां पर एक दूसरे से टकराने वाली है, और कुछ ही समय में अब एक बड़े मैच की शुरुआत होती हुई लकी स्पोर्ट राया वर्सेस तलोली स्पोर्ट तलोली के बीच, और तलोली स्पोर्ट के सभी स्टार खिलाड़ी बीच मैदान में फील्डिंग के लिए पहुंच चुके हैं, और
लक्की स्पोर्ट के दोनों सलामी बल्लेबाज शफी और रऊफ मैदान में पहुंचते हुए और इस खासदार चषक को आयोजन करने में जिन पर्सनालिटी का हमें सपोर्ट मिला है वो सबसे पहले भिवंडी लोकसभा के खासदार माननीय कपिल जी पाटिल साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा। फर्स्ट प्राइज का जो इनाम है उसको देने में उन्होंने कोई हिचक नहीं की और जैसे ही हमारे इस लक्की स्टार के पांचों स्टार ने उनसे इस बात के लिए कहा तो फौरन राजी हो गए और हमें फर्स्ट प्राइज का आयोजन करके दिया। मैच की शुरुआत होती हुई इस बीच अंपायर किरण का इशारा गुड्डू किए गए शफी के लिए खूबसूरत ड्राइव वहां पर मिड ऑफ की दिशा से सीधा 6 रन के लिए कोई मौका नहीं वहां पर फील्डर कामरान के लिए। पहिला चेंडू वर षटकार ठोकलेला आहे या ठिकाणी शफी यांनी। दुसरा चेंडू एक्स्ट्रा कवरच्या दिशेने जातोय। क्षेत्ररक्षण त्याच्या मागे चांगली क्षेत्ररक्षण त्या ठिकाणी होऊ शकलेलं नाही। दरम्यान दोन धावा मिळाल्या या ठिकाणी शफी या फलंदाजाला। धाव संख्या झालेली 8 और इस 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 8 रन। शफी काफी अच्छे टच में दिख रहे हैं, सामना करने के लिए तैयार हो रहे गुड्डू। अब देखना है सर्कल में यहाँ पर रमीज करे है, मुफीद करे है, मूसा। खूबसूरत बॉलिंग वहां पर, बहुत ही अच्छी टिप्पा पड़ने के बाद ऑफ स्टंप के बाहर निकलती हुई और शफी गेंद तक पहुंचना चाहते थे लेकिन गेंद से दूर रह गए और गेंद डॉट गेंद निकलती हुई 3 गेंदों पर 8 रन अब तक के लक्की स्पोर्ट अपने खाते में जोड़ चुकी है। 8 रन शफी के बल्ले से आए और एक मरतबा कारपेट के सहारे से ड्राइव किया है। गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ की दिशा में, कोई मौका नहीं हुआ कामरन के लिए और सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन का इशारा आता हुआ। हमारे जेकेटी बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन के प्रोप्राइटर सलमान टिट्टू ने भी एक बड़ा योगदान दिया है इस चषक को आयोजन करने में। खूबसूरत शॉट वहां पर, खीजर वकास रोकने में नाकाम, गेंद सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन का इशारा आता हुआ और गुड्डू काफी महंगे साबित होते हुए। इस 4 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 16 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर और 16 के 16 रन शफी के बल्ले से आते हुए। क्या लाजवाब टाइमिंग है वहां पर शफी का राजू। खरोखर नजीब सर, आणि हे महत्त्वाचे निर्णायक सामने, शेवटचे दिवसाचे फायनलचे सामने आजच्या दिवसामध्ये आणि खरोखरच या ठिकाणी आपले कौशल्य दाखवण्याची आवश्यकता आहे। मैदानावर प्रेक्षकांची गर्दी हळूहळू वाढत आहे आणि दरम्यान चेंडू येतोय शॉट यहाँ पर कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये 4 रन के लिए। थैंक यू डीजे। पहले षटक संपलेले, धाव संख्या झालेली 20। आज से हे सामने आपण YouTube च्या माध्यमातून बघणार आहोत प्रेक्षक हो। तलोली स्पोर्ट के डैशिंग कैप्टन और खूबसूरत पर्सनालिटी अफसर रईस जुड़ते हुए और खासदार चषक में हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। बहुत ही बड़े बल्लेबाज है लेफ्ट हैंड के और छक्कों के लिए पहचाने जाने जाते हैं। खूबसूरत बैटिंग कहां पर वो प्रदर्शन करते हुए कई मर्तबा नजर आए हैं। आप देखना इस खासदार चषक में वो किस तरीके की बल्लेबाजी करते हैं।
आतापर्यंत गुड्डूला 20 धावा कुटलेले या ठिकाणी काही समागडा ठरत आहे. शफी हा फलंदाज खरोखरच आजच्या दिवसामध्ये चांगली कामगिरी करून दाखवणार आहेत या ठिकाणी. और जेकेटी के प्रोप्राइटर सलमान टिट्टू वीआईपी डाइस पर आते हुए और इस टूर्नामेंट में ट्रॉफी का आयोजन किया है हमारे अनिल दलवी जी ने. और खूबसूरत शॉट यहां पर रऊफ का, मिड ऑफ मिड विकेट की दिशा में सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए, किसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं. रूपचा सुद्धा बल्ला बोलत आहे या ठिकाणी. या वेळेला थोडा आपटलेला चेंडू आहे आमचे पंच त्या ठिकाणी. और अजीब तरीके से व्हाइट अर्कम ने रोकने की कोशिश की, व्हाइट का इशारा आता हुआ, बराबर 1 रन का इजाफा होता हुआ. इस बीच 27 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर. दूसरी ओवर का खेल चल रहा है कामरान मुड़ते हुए रऊफ के लिए और द विकेट. और खूबसूरत शॉट यहां पर और गेंद सीधी असीम के हाथों में जाती हुई और लकी स्पॉट को लगता है पहला झटका. रोप या ठिकाणी असफल झालेला दिसतोय नजीब सर. आज या चषक मध्ये मला वाटतं रोप यांचा बल्ला काय बोलत नाही नजीब सर. और रऊफ को ज्यादा फॉर्म नजर नहीं आ रहे हैं और बहुत सस्ता विकेट देकर. आप देखिए राजू, राय के सरपंच और राजू टिट्टू नॉन स्ट्राइक पर आते हुए शफ से कुछ बातचीत होती हुई और तलोली स्पोर्ट को मिलने वाला एक बड़ा विकेट. गलती नहीं यहाँ पर और खूबसूरत कैच लिया रऊफ का, रऊफ को वापिस जाना पड़ा. कामरान मुड़ते हुए शफी के लिए, खूबसूरत कारपेट के सहारे से मोड़ दिया है. स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद आती हुई, वकास ने गेंद को फील्ड किया और 1 रन इस बीच होता हुआ अब सामना करने के लिए तैयार हो रहे डैशिंग पर्सनैलिटी राया की. सरपंच राजू टिट्टू देखना है किस तरीके से कामरान का सामना करते हैं. स्कोर इस 1 रन के साथ 28 रन पर पहुंचता हुआ दूसरी ओर का खूबसूरत शॉट यहां पर राजू का, स्क्वायर लेग की दिशा में आती हुई गेंद और वकास वहां फील्डर थे. 1 रन से ज्यादा कुछ भी नहीं. और पड़गा बुरेवली के सीनियर सिटीजन दादा बर्डी जी हमसे जुड़ते हुए और बीजेपी तालुका उपाध्यक्ष माइनॉरिटी के जकी पाकुड़े जी का भी बड़ा सहयोग रहा है इस टूर्नामेंट के लिए. और क्लीन बोल्ड होते हुए शफी थोड़े से इम्प्रोवाइज हुए थे और गेंद जाकर सीधे स्टंप पर लगती हुई. दुसरा षटक संपलेला आहे प्रेक्षक हो, 29 धावा आलेले आहेत. या ठिकाणी चांगली सुरुवात केली होती शफी या फलंदाजानं पण इतर फलंदाजांनी त्यांना साथ दिली नाही या ठिकाणी. आणि खरोखर शफी यांनी आपल्या जागेवर आपलं जे स्थान आहे ते चांगल्या प्रकारे या ठिकाणी कामगिरी करून गेलेले आहेत ते. और 21 रन बनाकर शफी वापिस लोटे और लक्की स्पोर्ट के स्टार तस्मीर स्ट्राइक पर पहुंचते हुए कामरान तैयार होते हुए तस्मीर के लिए. ये लोअर फुल टॉस थी, कारपेट के सहारे से ड्राइव किया है असीम गेंद के पीछे और 1 रन पूरा होता हुआ और आसानी से राजू टिट्टू ने दूसरा रन भी पूरा कर लिया. खूबसूरत रनिंग बिटवीन द विकेट और ओवर समाप्ति का इशारा करते हुए भूषण पाटिल दो ओवर की समाप्ति पर 31 रन पर स्कोर पहुंचता हुआ.
अब तीसरी ओवर लेकर रमेश तैयार होते हुए। रमेश काफी अच्छे बल्लेबाज भी है तलोली स्पोर्ट की ओर से। अब देखना है गेंदबाजी में किस तरीके का प्रदर्शन यहाँ पर करते हैं। राजू टिट्टू तैयार होते हुए। स्टार स्पोर्ट के राजू टिट्टू जो गेंद की लाइन से अपने आप को थोड़ा सा हटा लिया था, गेंद डॉट निकलती हुई, रमेश की गेंद राजू के लिए। फिर से एक मर्तबा वही शॉट खेलना चाहते थे लेकिन अब उन्हें रन आउट होकर वापिस जाना होगा। टीवी क्या मंजर है इस ग्राउंड का, जनशताब्दी एक्सप्रेस औरंगाबाद टू मुंबई। और खूबसूरत शॉट यहां पर लेकिन कामरान गेंद के नीचे और तस्मीर को वापस जाना होगा। अच्छी कैच वहां पर मिड विकेट और लामॉन के बीच में। अभिषेक इफ्तिकार ने इस गेंद को खेला है लॉन्ग ऑफ की दिशा में वहां पर और अरबाज से गेंद छिटकती हुई और दो रन पूरे होते हुए। लक्की स्टार के तीसरे स्टार इस बीच मीनाज टिट्टू नॉन स्ट्राइक पर बैटिंग के लिए आते हुए। और अब देखना है इफ्तिकार जो काफी अच्छे बल्लेबाज है राया की ओर से खेलते हैं, अब देखना है इस खादर चषक में उनका प्रदर्शन कैसा रहता है। रमेश की एक गेंद घुमा दिया गेंद को स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन के लिए, कोई मौका नहीं फील्डर के पास। चांगली वापसी के लिए या ठिकाणी दीपिकार यांनी मधल्या ज्या फलंदाजांची जागा भरून काढली। या ठिकाणी 29 धावा कुठलेल्या आहेत। शेवटचा चेंडू आहे आता आणि हा चेंडू यॉर्क टाकलेला, चेंडू जातोय कव्हरच्या दिशेने। या ठिकाणी 2 नाही और मीनाज को वापिस जाना होगा। यहाँ पर भूषण की उंगली उठी हुई, मीनाज लक्की स्टार के तीसरे स्टार रन आउट होकर वापिस जाते हुए। लकी स्पोर्ट राया या संघानं नाणेफेकीचं कॉलजिंग कोल फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता आणि थोडाफार समाधानकारक स्कोर ठेवलेला आहे या ठिकाणी पॉवर ऑफ तलवली यांच्या समोर। 41 धावा झालेले या ठिकाणी आणि 42 धावांचं आव्हान ठेवलेलं आहे। 3 ओव्हर की समाप्ती पर लकी स्पोर्ट ने 42 रन का टार्गेट तलोली स्पोर्ट के सामने रखा है। देखना है अफसर रईस और रमीज पटेल, कामरान पटेल, अरकम पटेल, वकास रईस और अरबाज शेख किस तरीके का यहाँ जवाब देते हैं। खूबसूरत यहाँ पर ग्राउंड बनाया गया है। लकी स्पोर्ट के 5वें स्टार डैशिंग पर्सनैलिटी मीनाज टिट्टू, डैशिंग पर्सनैलिटी हमारे सरपंच राजू टिट्टू, आदीप कुंगले, मुकीम और तस्मीर कुंगले, इन 5 स्टार जो लक्की स्पोर्ट के हैं काफी मेहनत की है और इस क्रिकेट स्पर्धा खासदार चषक 2018 राया को आयोजन करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। साथ ही साथ अनिल दलवी जी ने और जक्की पाकुड़े बनेली से इनका भी बड़ा सहयोग मिला। जेकेटी के मान टिट्टू जी की एक बड़ा
सात रहा इस ट्रॉफी के साथ। और सबसे ज्यादा हमारे लोकसभा भिवंडी लोकसभा के खासदार जनाब कपिल जी पाटिल साहब का एक बड़ा साथ मिला इस नजीब सर स्पर्धा को आयोजन करने में, त्यांचं हार्दिक अभिनंदन या ठिकाणी। आणि त्याचप्रमाणे जेकेटी जेकेटी ग्रुप सलमान टिट्टू रजी कुंगले अनंता जोशी अनिल दळवी रियाज टिट्टू मोहम्मद पावले यांचं सुद्धा आम्ही या ठिकाणी हार्दिक आभार व्यक्त करत आहोत। पॉवर ऑफ तलावली या संघापुढे 42 धावांचं आव्हान आहे। राय या संघाने नाणेफेकीचा गोल फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला। ग्राउंड में जो सपोर्ट किया है खासकर मोहम्मद पावले और मुदस्सर टिट्टू फुरकान शबीब कुंगले और सभी हमारे आरसीसी के सपोर्टर और खिलाड़ियों ने इस आयोजन के लिए बहुत बहुत सपोर्ट किया लक्की स्पोर्ट के लिए। और हमारे ग्रुप ग्राम पंचायत के सदस्य दानिश कुंगले जी यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम उनसे निवेदन करते हैं कि वो वीआईपी डाइस पर आकर इस मैच का आनंद ले। और लेफ्ट हैंड धराके बल्लेबाज है, देखना है और काम तलोली स्पोर्ट के सलामी बल्लेबाज मैदान पर पहुंचते हुए। और अरकम ओपन में जायलिश स्पोर्ट से खेलते अरकम और कामरान बी इंडियन ट्रॉफी में बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस उन्होंने दिया था। और उसके बाद बाली ट्रॉफी 2018 भिवंडी में क्या खूबसूरत बैटिंग का प्रदर्शन अरकम और कामरान के बल्ले से हुआ था। आप देखना है एक तुरकम अनुभव रखने वाली लक्की स्पोर्ट और एक बड़ा अनुभव अफसर रईस के साथ यहां पर खेलने के लिए आई हुई टीम तलोली स्पोर्ट। तलोली स्पोर्ट के सामने तीन ओवर में 42 रन का टारगेट रखा है। और मुकिम वहां पर फील्डिंग करते हुए तकरीबन 9 से 10 साल के बाद उनकी वापसी हो रही है क्रिकेट की दुनिया में। अरकम की एक गेंद खूबसूरत टाइमिंग यहां पर विकेट विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए गेंद जाती हुई। डीजे चांगला चेंडू टाकलेला या ठिकाणी तस्मीरनं, परंतु खेळून काढला या ठिकाणी फलंदाज अकमल अरकम। एक धाव मिळालेली आहे आणि स्ट्राईक रोटेट करत आहेत या ठिकाणी अरकम। कामरानच्या हातामध्ये स्ट्राईक आलेली आहे, 7 धावा झालेल्या आहेत या ठिकाणी। आप देखना है दोन चेंडू झालेले आहेत। कामरान तयार होते वे राजू बहुत ही अच्छे बल्लेबाज है, तलोली स्पोर्ट की तरफ से खेलते हैं और ओपन में जायलिश की तरफ से ओपनिंग करते हैं। अब खरोखर नजीब सर भिवंडी तालुके मधले जे खिलाड़ी असतात खरोखर यांना एक चांगला प्लॅटफॉर्म त्या ठिकाणी मिळाला आहे। आमचे पंच त्या ठिकाणी इशारा करतात व्हाईट, एक अतिरिक्त धाव संख्या या ठिकाणी मिळाली आहे, धाव संख्या झालेली 8। तिसरा चेंडू तस्मीरचा या ठिकाणी, हा चेंडू झेल बाद होतोय रिवर्स स्वीप मारण्याच्या नादात आणि गडी बाद होतोय या ठिकाणी। We'll be right back.
खूबसूरत कैच वापरली काय इसने नजीब सर बरोबर तुम्ही कामरानची या ठिकाणी स्तुती केली होती परंतु कामरान या ठिकाणी असफल झालेला आहे और एक बड़ा झटका है यहाँ पर तलोली के लिए और कामरान का होना यहाँ पर राया के लिए एक चैन की खबर है कि कामरान जैसे एक बड़े बल्लेबाज का उन्होंने विकेट लिया है। कैस ने कोई गलती नहीं की वहां पर थर्ड मैन की दिशा में और नए बल्लेबाज अरबाज शेख और चार रन का इशारा आता हुआ अरबाज ने इस शॉट को खेला था। और ऑफ स्टंप को छोड़ती हुई गेंद तस्मीर की तेज तर्रार गेंद थी और वाइट का इशारा आता हुआ और इस एक्स्ट्रा रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 13 रन। पहली ओवर का खेल जारी है और लंबी ओवर डालते हुए तस्मीर अजीब सर चांगला संकेत है या ठिकाणी कामरान से विकेट पडलेला है लेकिन आपको बताता चलू राजू एक से एक स्टार खिलाड़ी वहां पर तलोली स्पोर्ट में खूबसूरत शॉट यहां पर अरबाज ने खेला हुआ लेकिन अरबाज मालिम के लिए कोई मौका नहीं गेंद सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर एक्स्ट्रा कवर की दिशा में आखिरी गेंद यहां पर तस्मीर की आखिरी गेंद अरबाज के लिए और इस चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 17 रन एक विकेट के नुकसान पर। तस्मीर मुड़ते हुए बहुत महंगी और उनकी और एक मौका बन सकता था कट कर दिया है पॉइंट की दिशा में मिनाज भागते हुए लेकिन नहीं रोक पाएंगे गेंद सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। थैंक यू डीजे पहले फरक संपले 23 धावा आलेले त्या ठिकाणी आणि 21 रन सॉरी 21 धावा तस्मीर ने दिए और मानो तस्मीर को 20 प्लस देने की एक आदत सी हो गई है जिस टूर्नामेंट में वो खेलते हैं 20 रन से ऊपर रन देना उनका अब एक तरीके से पैशन बन गया है। हालांकि बहुत अच्छे गेंदबाज है और तेज तर्रार गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं लेकिन कुछ समय से पूरी तरह से वो नहीं है और अब देखना है आदिब के हाथ में गेंद तमाई है वाली ट्रॉफी में क्या लाजवाब गेंदबाजी उन्होंने की थी और एक ओवर में 3 विकेट निकाले थे और अब देखना है अरकम जो बहुत ही बड़े बल्लेबाज है तलोली स्पोर्ट की तरफ से और देखना है किस तरीके का सामना करते हैं अदीप का। यहाँ पर हमारे सरपंच राजू को फील करते हुए आज वहां पर आता पर फलंदाजी के लिए आए ठीक है और मुकीम अरकम यानी एक षटकार ठोकलेला है अरकम ने आता संधि आलेली आहे या ठिकाणी एक 20 धावा झालेले आहेत दरम्यान पहिले षटक संपलेले आहे दुसरे षटक घेऊन येते आदिप आणि आदिपचा हा चेंडू जातोय खूबसूरत शॉट यहां पर क्या लाजवाब टाइमिंग है अरकम का सीधी गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर थैंक यू
बहुत ही अच्छा टाइमिंग किया था वहां पर अरकम ने, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाकर रुकी। आदिप की दूसरी गेंद, लोअर फुल टॉस और खूबसूरत टाइमिंग फिर से एक मरतबा। और अगर 3 छक्के लगते तो हमारे गांव के डैशिंग पर्सनालिटी मिस्टर राशिद कुंगले जी की ओर से उनको कैश प्राइज दिया जाएगा 3 छक्कों के ट्रिक पर। इसी के साथ 3 चौकों के ट्रिक पर भी और विकेट के ट्रिक पर भी। पटकी हुई गेंद, आदिप बचना चाहते थे यहां पर, वाइड का इशारा आता हुआ और उस गेंद को नहीं पकड़ पाए। अब जाकर हम पैर भूषण पाटिल उठाते हुए गेंद को, आदिप काफी महंगे साबित होते हुए 2 गेंदों में 13 रन खर्च किए उन्होंने। तीसरी गेंद लेकर अरकम के लिए, ये गेंद खूबसूरत गेंद वहां पर और पूरी तरह बीट कर दिया अरकम को। दरम्यान चेंडू जातोय स्क्वेअर लेगच्या दिशेने, षटकार। और 40 रन पर स्कोर पहुंचता हुआ, 2 रन की जरूरत, क्या बैटिंग की यहां पर अरकम ने। और यहां पर सिक्स शॉट के लाइफ मोहम्मद और राजू, राजू कैच को लेना चाहते थे मगर दूर स्कोर लेवल होता हुआ। और आदिप को मिलता हुआ दूसरा विकेट। और अगली मैच का आंखों देखा हाल आप तक पहुंचाने के लिए तैयार हो रहे मेरे साथी कमेंटेटर राजू जाधव जी। थैंक यू नजीब सर, मला वाटतं जवळजवळ पॉवर ऑफ तलोलीने हा मॅच हा सामना आपल्या खिशात टाकलेला आहे। फक्त 1 धावाची आवश्यकता आहे। समोर आहेत फलंदाज रोप, रोप यांना चमत्कार करण्याची आवश्यकता आहे पण नाही होऊ शकत ते। दरम्यान चेंडू जातोय सीमा पार, फरार चौकार आणि हा संघ पॉवर ऑफ तलवली विजय झालेले आहे। पॉवर ऑफ तलवली या संघानं विजय मिळवलेला या ठिकाणी आणि त्याचं श्रेय आहे अरकम हा फलंदाज, 30 धावा कुठलेले आहेत त्यानं, 4 षटकार आणि 1 चौकार अशी दमदार पारी होती त्याची। त्याचप्रमाणे अरबाज हाही त्याच्या सह फलंदाज होता, त्यांनी 4 चौकार लगावलेले आहेत, त्याची धावसंख्या 12 आहे।